हमारी यंग जनरेशन भाई R15 को बहुत पसंद करती है, तो मैं ना आपको कुछ एडवांटेजेस बताने जा रहा हूँ आज R15 के बारे में। हाँ, यहाँ नहीं बताऊँगा, बाइक के साथ बताऊँगा आपको अच्छी लोकेशन देख के। तो भाइयों तभी लेना बाइक, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दो डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊँगा, उसको देख के अगर आपको वो ठीक लगे तो R15 लेना, वरना मत लेना। चलो बाहर चलते हैं। सो गाइस वेलकम टू आवर मोटो व्लॉग सेटअप। तो अभी बस मैं लोकेशन मैंने डिसाइड कर लिया घर पर ही कहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, मेनली वही लोकेशन पे मैं वीडियो बनाता हूँ। सो गाइस व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। सो व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज पीयूष, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डी राइडर पीयूष। तो अगर गलती से भी अगर माइक के अंदर कोई भी अगर आपको ऑडियो क्वालिटी में अगर आवाज़ ख़राब आ रही होगी तो उसके लिए सो सॉरी। पता नहीं यार पानी चला गया था, क्या हुआ था, माइक ख़राब हुआ है या अडैप्टर ख़राब हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे वैसे। सो हाँ, अब बाइक के बारे में बात कर लेते हैं यार। सो यार अभी बाइक में फ्यूल नहीं है यार, मुझे फ्यूल भरवाना पड़ेगा सबसे पहले। यार कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता किसी भी बीच रास्ते में अटक जाऊँ। और हाँ यार, 7 महीने में, मतलब 7.5 महीने में हमारी बाइक 4584 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखो मैं पास से दिखा देता हूँ, कहीं ठूक ना जाऊँ बस यार, ऐसे नीचे झुक के दिखा रहा हूँ। 4584 मतलब 4584 किलोमीटर चल चुकी है, फ्यूल पंप आ चुके हैं यार। सबसे पहले फ्यूल डलवाना है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा कम है। ओ माय गॉड, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो यार जो अभी हम पिछली संडे, यार ठोकोगे क्या अंकल, यार जो अभी हम पिछले संडे राइड पे गए थे यार, वो वीडियो आपको कैसी लगी बताना यार। अब हमने मेनली हर संडे राइड प्लान करने का सोचा। मैं अब आपको सीधा मिलता हूँ यार अपनी लोकेशन पे, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी R15 के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, जो हमने लेनी चाहिए या नहीं लेनी। सो भाइयों ये रहा व्यू यार, बाकी लोकेशन चेक करो। मेनली मैं सारी वीडियोज़ अपनी यहीं बनाता हूँ, ये ईस्ट पंजाबी बाग में पड़ती है रेलवे कॉलोनी। जल्दी से हम अपनी बाइक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस बताता हूँ। फर्स्ट मैं ले लेता हूँ यार परफॉर्मेंस। 150cc के हिसाब से इस बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। और ये बाइक किसी भी 200cc वाली बाइक को बीट कर सकती है इस सेगमेंट के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये यार क्यों बीट कर सकती है, इसका रीज़न है VVA टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वॉल एक्चुएशन। भाई ये रीज़न है जो किसी भी 200cc वाली या किसी भी 155cc वाली सेगमेंट वाली कोई भी बाइक हो उनको बीट कर सकती है। और हाँ, और एक बात बता दूँ आपको भाई, ये R15 इंडिया में एक ऐसी बाइक है, मतलब यामा ने ऐसी बाइक निकाली है जो भाई जिसकी टॉप स्पीड ना 150 प्लस है। और मेरे ख्याल से शायद ही यार इंडिया में कोई भी 155cc वाली बाइक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लस जा सकती है। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मैंने अभी तक इसको, अभी रिसेंटली संडे राइड पे गया था, मैंने 141 प्लस मैं इसको लेकर गया था यार। आप मानोगे नहीं, अगर नहीं मानना तो भाई वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने प्रूव दिया है। और इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाई है मैंने, इंस्टाग्राम पे भी रील पे है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरी रेगुलर अपडेट्स वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना गाइस। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एडवांटेज की, जिसका नाम है माइलेज। देखो यार परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करता जितना माइलेज इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि भाइयों आजकल ना पेट्रोल के रेट आसमान छू चुके हैं, ये सब बातें आपको भी पता है यार। देखो मैंने यार प्रैक्टिकली देखा है, मेरी बाइक मुझे 45-52 किलोमीटर्स की माइलेज निकाल के देती है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताना मुझे यार आपकी बाइक क्या माइलेज दे रही है, अगर आपके पास R15 है या कोई भी अदर 155 वाली सेगमेंट वाली कोई भी बाइक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो है इसकी लुक। यार एक बारी लुक देखो यार, ये बाइक जब भी तुम पार्क करोगे ना तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखोगे यार एक बारी पार्क करने से पहले कि हाँ भाई हमारी बाइक है। खुद जो भी, जाहिर सी बात है R15 ख़रीद रहा है मेरी ही जैसा यंग जनरेशन का होगा 30 प्लस, मेरे को नहीं लगता किसी को भी ये बाइक यार पसंद आने वाली है, क्योंकि यार
बिकॉज ऑफ एग्रेसिव पोस्चर और फुल फेयरिंग बाइक, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती यार राइड करते वक्त। एग्रेसिव बाइक ही यंग जनरेशन को पसंद आती है, आप लोगों को तो पता ही है यार, मैं भी आपके जैसी सेम जनरेशन का हूँ, तभी ये मैंने बाइक खरीदी है बिकॉज ऑफ इसकी लुक्स यार, इसकी लुक्स की वजह से ही मैंने इसे ख़रीदा है, तभी आप भाई इसको ख़रीदने जा रहे हो। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो है बाइक की ब्रेकिंग। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इस बाइक में डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, दोनों तरफ ABS है, और वो भी 155cc वाली सेगमेंट में, और आपकी बहुत बड़ी जान बचा लेगी। हाँ यार मैं सच कह रहा हूँ, अगर जब आप तेज़ स्पीड में चला रहे होगे, ये आपकी बहुत बड़ी जान बचाएगी, क्योंकि इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत 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 प्यारी है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो है स्लिपर क्लच। ये हाँ, जब आप बाइक को राइड कर रहे होंगे तो आपको गियर शिफ्ट करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इस बाइक में है स्लिपर क्लच, और बाइक ज़्यादा हीट भी नहीं करती जब आप गियर वगैरह डाल रहे होंगे बारे में। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो है मेंटेनेंस कॉस्ट। जी हाँ, इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत कम है। सर्विस भी आपकी 700 रुपये तक की हो जाती है, 700 से 800 रुपये तक की, और तो और बाकी ये क्यों इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार ये जापनीज़ टेक्नोलॉजी बाइक है, इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो है भाई लॉन्ग लास्टिंग। जी हाँ, 110% बाइक लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप इस थिंकिंग के हिसाब से ख़रीद रहे हैं कि मैं इसको 4 से 5 साल तक चलाऊँगा, तो आपको कोई भी बाइक में दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली, आप बेफिक्र होके इस बाइक को ख़रीद सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं यार इस वीडियो के मेन एडवांटेज के बारे में, जो है यार वैल्यू फॉर मनी। अगर आप लोगों को पता होगा यार, R625 के बारे में पता है ना, उसका प्राइस अप्रोक्स 2 लाख हो चुका है, अप्रोक्स 2 लाख। और मेरे हिसाब से R15 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है, VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ब्रेकिंग मिल जाती है, और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो गाइस ये थे यार R15 के बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस, आपको जो अच्छा लगा वो बताना यार कमेंट करके। और अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। हाँ, जो यार मुझे लगते हैं 2 डिसएडवांटेज हैं इस बाइक में, जो कि है फर्स्ट यार लाइट, रोशनी नहीं करती यार रात में, अगर आप कहीं जाओगे ना ज़्यादा जहाँ पर अंधेरा हुआ, वहाँ पर आप परेशान हो जाओगे भाई, ये बाइक ज़्यादा रोशनी नहीं है इस बाइक के अंदर, आगे की LED हेडलैम्प्स में नहीं है इतनी रोशनी। और तो और यार इस बाइक की सीट, पिछली सीट मतलब पिनियन सीट, बहुत हार्ड है, ये देखो बहुत हार्ड है, आप लोग कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं घुमा पाओगे, जैसे कि मम्मी हो गई, मम्मी तो कहेंगी बेटा मेरे को उतार दे तो मैं पैदल आ जाऊंगी। सच बात बता रहा हूँ, ये मेरे साथ है, मेरी मम्मी बाइक पर अभी तक बैठी नहीं है, जिस दिन बैठ लेंगी, मम्मी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, जिस दिन बैठ जाओगे ना थोड़ी सी दूर जाओगे, क्योंकि मैं पैदल आ जाऊंगी बेटा तू जा। यार ये थे इस बाइक के 2 डिसएडवांटेजेस, मुझे लगता है यामा को यार ज़रूर इस पर काम करना चाहिए, इसके ल्यूमिनस पे और पीछे की पिलियन सीट पे, बाकी मुझे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। एंड यार अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धूप बहुत है, बारिश भी हुई है, बीच में बहुत टाइम लगा है वीडियो बनाते वक्त, यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के कोई पैसे भी नहीं लगते, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाना। So guys, it's time to end the video guys. I'm gonna see you very soon in another video. Thanks for making me part of your day. Till then, bye bye, take care. This is G-Rider Piyush signing off. Someone who could just so shines. I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way. Yeah. Chalo bhai.